हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उत्पम, जो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आज मैं आपको सूजी से उत्पम बनाना बताऊंगी और उत्पम बनाने के दो तरीके बताऊंगी, जो बहुत ही आसान और कम समय में आप घर में बनाकर खा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सामग्री ले ली है ये उत्पम की। छोटा कटोरी दही, एक टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च, ये है घी, मैंने 4 चम्मच घी ले लिया है, और ये है 2 हरी मिर्च कटी हुई बारीक, ये धनिया पत्ती, और ये है नमक स्वाद अनुसार, लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ, 1 प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये है रवा, 1 बाउल में रवा, और 1 कप पानी, और ये चाट मसाला, ये डब्बी में लिया है मैंने, इससे बहुत आसानी से छिड़कने में सुविधा रहती है। अब एक बोल लिया है मैंने बड़ा, उसमें मैं इस रवा को डालूंगी। उसके बाद ये दही है, दही डाली है मैंने इसमें, और मैशर की मदद से हम इसे मैश करेंगे अच्छी तरह, दही और रवा को, यानी कि सूजी को, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह मैश करेंगे। देखिए इस तरह से मैश करते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमारा तैयार है बैटर, इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब ये मैंने एक पैन लिया है, पैन को लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब ये हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है, इसमें मैंने नमक डाला है, नमक स्वाद अनुसार डालें दोस्तों, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने 1/2 छोटा चम्मच खाना सोडा डाला है इसमें, उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक जो मैंने बारीक बारीक काट लिया था, या आप ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने इसे इसमें डाला है, और अच्छी तरह से मिलाएंगे इसमें। देखिए हमारा ये पैन गर्म हो गया है, अब इसमें लगाएंगे हम देसी घी, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इसे नॉन स्टिक पैन लें तो ज़्यादा अच्छा है, या आप तवा भी ले सकते हैं नॉन स्टिक, आप किसी के ऊपर अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो मैंने बैटर लिया है और इसको धीरे धीरे कर कर मैं गोल शेप दे दूंगी और मीडियम साइज का उत्पम बनाऊंगी इस तरह से। गैस की फ्लेम लो ही रखें दोस्तों। के ऊपर डाला है मैंने थोड़ा थोड़ा करके शिमला मिर्च, ये मैंने डाली है प्याज, इसके बाद टमाटर, कुछ पीस टमाटर के इस तरह से, बाद मैंने डाली हरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। धनिया पत्ती, और इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है चाट मसाला, मैंने डब्बी में लिया है, इससे बहुत सावधानी से
हम इसके ऊपर छिड़क सकते हैं चाट मसाले को। अब स्पैचुला की मदद से हम सारी वेजिटेबल्स को इस तरह दबाते हुए अंदर की तरफ इस तरह दबाएंगे ताकि वेजिटेबल्स इधर उधर ना निकलें और अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब ये देखिए एक तरफ से हमारा सिक चुका है, तो इसे मैं पलट दूंगी और देखिए कितना अच्छा सिखा है ऊपर की तरफ से। तो ये मेरा उत्पम बनाने का दोस्तों पहला तरीका है। अब देखिए स्पैचुला की मदद से मैं इसे दबाते हुए सेकूंगी इस तरह से। गैस की फ्लेम हमेशा दोस्तों लो ही रखें, अगर तेज गैस की फ्लेम तेज करी तो ये जल सकता है। लो फ्लेम पे ये बहुत अच्छा सिकता है। देखिए दूसरी साइड से भी काफी अच्छा सिक चुका है। तो ये हमारा उत्पम तैयार हो चुका है। मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी टिश्यू पेपर पर, देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दूसरी प्रकार का उत्पम बनाना बताऊंगी। मैंने पैन को गर्म कर लिया था और घी लगा दिया था। अब ये बैटर है मेरे पास, इसमें डालूंगी मैं प्याज, धनिया, टमाटर, शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से। अभी मैं दूसरी प्रकार से आपको उत्पम बनाना बताऊंगी। घर में मैं ज़्यादातर इसी तरह से उत्पम बनाती हूँ। अब देखिए मैंने बैटर लिया है इसका और मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से फैला दूंगी। और गोल शेप देते हुए इस तरह से। तो ज़्यादातर मैं इसी तरह से अपने घर में उत्पम बनाती हूँ। ये पहले की अपेक्षा ये उत्पम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से बन जाता है। आप चाहें तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला छिड़क के। देखिए ये साइड से सिक चुका है, इसमें लगा है लेयर, तो अब मैं इसे पलट दूंगी। देखिए इस तरह से दबाते हुए से पकाएं, स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह दबाते हुए सेकें। अब इसे पलट कर भी से अच्छी तरह से नीचे से भी पका लेंगे एक बार। और ब्रश की सहायता से इसके ऊपर घी लगाएं। तो ये भी उत्पम हमारा बनकर रेडी है। देखिए दोनों ही उत्पम देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, और जितने देखने में मज़ेदार लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे अपने घर में। इतनी सामग्री में आप 5 से 7 उत्पम बनाकर तैयार कर सकते हैं, और घर में सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ या चाय के साथ जैसे आपको अच्छा लगे उत्पम का पूरा फ़ायदा उठाइए।
तो मेरा चैनल आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा चैनल आपको कैसा लगा। नमस्कार।